सब धुआं धुआं हो चुका है। ये आलू और प्याज नहीं जल रहे हैं। इंसान जिस लक्ष्मी को पूजता है, ये वो लक्ष्मी जल रही है। जगह जगह मसाले नहीं जल रहे हैं, सपने जल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी व्यापारी थे, दुकानदार थे, उन सब के परिवार उन पर निर्भर करते हैं। कितने लोगों के पूरे घर का खर्च केवल इन दुकानों से निकलता है। उनके पास अब बहुत बड़ा सवाल है रोजगार का, परिवार का, जीवन यापन का। हालांकि आशीर्वाद अग्निकांड के बाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से फायर सेफ्टी ऑडिट का। यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, उन सब में फायर सेफ्टी ऑडिट की बात कही गई। 4 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। परंतु उससे भी बड़ा सवाल है, धनबाद में केवल अपार्टमेंट्स ही नहीं हैं, धनबाद में कुछ ऐसी सब्जी मंडियां भी हैं, धनबाद में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर एक दुकान दूसरे दुकान से एक कॉमन दीवार के साथ सटी हुई होती हैं। और वो जो दुकानें होती हैं, वो दुकानें सीमेंट और ईंट से बनी हुई नहीं होती हैं, बांस की बल्लियों से बनी हुई होती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जो बिल्कुल सटे हैं, और मैं कह सकती हूँ कि वो इतने ज़्यादा सटे हुए हैं कि अगर एक दुकान में आग लगती है तो दूसरी दुकान उससे अलग नहीं होती है। वो हवा के एक थपेड़े से आग यहाँ से वहाँ तक जा सकती है। यहाँ पुराना बाजार है, और ना जाने कितने बाजार हैं जो उस तरीके से बस्ती नुमा माहौल में बसे हुए हैं। अगर वैसे जगहों पर आग लगती है तो उसके लिए क्या इंतजाम है, सवाल बहुत बड़ा है। यहाँ पर घनी आबादी है, उस तरफ आप देख सकते हैं, मल्लिका आपको दिखाएंगी किस तरीके से दुकानें हैं। हालांकि यहाँ पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी तुरंत पहुँची है, लगभग 11:10 के आसपास यहाँ आग लगने का समय बताया जा रहा है, और 11:30 के आसपास अग्निशमन विभाग की गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी थी। शायद यही वजह रही कि बहुत सारी दुकानें यहाँ पर जलने से बच गई। परंतु उससे बड़ा सवाल धनबाद में आखिर आग से बचने का प्लान क्या है। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे व्यापारी हैं, उनका व्यापार है, और सबसे बड़ी बात इतनी संख्या में लोग हैं, वो व्यापारी हो, आम तौर पर राहगीर हो, या फिर सामान खरीदने वाले ग्राहक हो, वैसे ही ग्राहक कैसे सुरक्षित हो सकते हैं अगर ऐसी जगहों पर आग पर काबू नहीं पाया गया। एक और सवाल है, शॉर्ट सर्किट वजह रही या असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। पूरे धनबाद के असामाजिक तत्व क्या पिछले 1-2 महीने में ही सक्रिय हो गए हैं? हर जगह ये आगजनी हो कैसे जा रही है? क्या पूरे धनबाद की वायरिंग इन 2 महीनों में ही खराब हो गई है कि हर जगह शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है? ये सब पता लगाना प्रशासन का काम है। हालांकि यहाँ पर एक एंगल जो हर दुकानदार से हम सुन पा रहे हैं वो है शराब का एक ठेका यहाँ पर है, और बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि ये ठेका जो है उसके कारण ही, क्योंकि यहाँ पर ये 4थी आगजनी की घटना है इस सब्जी मंडी में, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और वही इस आग के पीछे जिम्मेवार हो सकते हैं। लगातार तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं बचे हुए सामान में अपने सपने को समेटते स्टील गेट के दुकानदार। कई दुकानों में तो समेटने को कुछ भी नहीं बचा, लेकिन कई दुकानें हैं जहां पर दुकानदारों को लग रहा है जो बचा है उसे तो समेट लूं। धनबाद कोरोना के दौरान बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, इसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और उसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों से कृषि बिल के विरोध में लगातार खाद्यान्न संकट तक उत्पन्न होने की बात आ रही थी सामने, और व्यापारी जो हैं वो स्ट्राइक पर थे, सब्जी मंडियां सूनी पड़ रही थी, लगातार शॉर्टेज की खबरें आ रही थी। और जैसे ही जो कृषि बाज़ार समितियां हैं वो खुली,
उसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापारियों ने अपने यहाँ स्टॉक जमा किया हुआ था। कल बहुत सारा नया स्टॉक इस सब्जी मंडी में भी आया था और उसके बाद अचानक से ही आगजनी।